दोस्तों, आपको पता है कि आजकल हम छुट्टियों में इंडिया आए हैं और इंडिया में हम शिमला से हैं। तो आज हम जाने वाले हैं जी गांव अपने, जो कि हमारा गांव कोटखाई में है, तहसील कोटखाई। तो बस रास्ते में चलते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और हाउस टूर दिखाते हैं आपको कि जनरली जो है घर कैसे होते हैं गाँव के। I look like my mom. ऐसे अटायर में I look just like my mom. So अब हम चल पड़े गांव, और so गांव के लिए सिंदूर बिंदी ये सब लगाना पड़ता है। और आपको भी दिखाते हैं अपना गांव। और यहाँ पे कोई है, आबू ये कौन है? नमस्ते जी। आबू क्या करती है, इसको ना यहाँ पे जो सूट में दिखते हैं उनको बोलती है नमस्ते जी, जो जीन्स में दिखते हैं उनको बोलती है हेलो। And Abu is also here, और हमारे साथ तारा मासी भी जा रही है। Abu की तारा मासी। Okay. And आपको थोड़ा से बाहर का व्यू दिखा देते हैं। फागू, ये है फागू। मौसम बहुत अच्छा, ब्लू स्काई। नॉर्वे में इस वक्त तो बहुत ही ग्रे स्काई होता है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। सामने माउंटेन्स देख सकते हैं आप, थोड़े थोड़े पार है जी चूड़धार। या और आज आपको अपना गांव दिखाएंगे हम इसमें। सो जब भी हम इंडिया आते हैं हम पहले कुछ दिन शिमला में रहते हैं, फिर थोड़ा टाइम अपने गांव में भी बिताते हैं हम लोग। हमारा गांव शिमला से लगभग 64 किलोमीटर दूर है। तो जो भी पहाड़ी लोग होते हैं, शिमला के बारे में बात कर रही हूँ अभी, उन लोगों का एक घर शिमला में होता है और एक घर गांव में होता है, और वीकेंड में मोस्टली सब लोग गांव चले जाते हैं। और तो हमारा भी ऐसे ही है, एक घर अरविंद का और मेरे मम्मी पापा का शिमला में है और गांव में भी है। मेरे मम्मी पापा का गांव घर नहीं है गांव में, पर दूसरे वाले मम्मी पापा का घर है गांव में। ये गांव की छोटी छोटी दुकानें अरविंद कुछ लेने गए हैं। क्या लेने? कौन सा चाहिए? अबू कौन सा चाहिए? रेड कलर। लॉलीपॉप लेने गए आवा के लिए। हेलो अबू, आप कहाँ जा रहे हो? पुरग जा रहे हो? हमारे गांव का नाम है पुरग। We are already in Purag. No, we are going to Purag. तो जी लोग बस कैसे होती है, देखो ये सामने जा रही है KBO। ये जी हमारे रीजन की बस है KBO, आई थिंक बागी जाती है, बड़ी फेमस बस है यहाँ की, प्राइवेट बस। और मैं आपको, अब हम लगभग बीच में पहुंच चुके हैं ठियोग। सड़कें कितनी एम्प्टी और ये व्यू कितना खूबसूरत है, और यही कहीं बसता है हमारा गांव और हमारा दिल भी, राइट अरविंद? यहाँ पे कुछ मम्मी पापा की है ये वाली सारी शॉप्स, और ये सामने है ये वाला मेरे कजन का घर। अब चलते हैं अंदर। है मेरे भाई का घर, मेरे ताऊजी के बेटे। अब चलते हैं अंदर। ये है फर्स्ट फ्लोर, एंटर करते ही काफी बड़ा सा है यहाँ से। अब चलते हैं ऊपर। Let's see who's upstairs. भाभी और भैया उनके बच्चे ऊपर ही है। यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है। वैसे
पूरा नीचे का व्यू, साइड व्यू, और ये है किचन। यहाँ पे किचन में ऐसे सब लोग नीचे बैठते हैं, बैठक तो किचन बेसिकली बड़ी होती है यहाँ पे हिमाचल में, सब लोग यहाँ बैठते हैं। और ये मेरी भाभी है, भाभी क्या बन रहा है? चाय बन रही है। चाय बन रही है। और इसमें क्या है भाभी? इसमें पहाड़ी डिश सिड्डू। सिड्डू दिखाना, अच्छा यहाँ पे रख दिया आपने। ये होते हैं हमारे सिड्डू पहाड़ी डिश, इसको खाते हैं जी घी के साथ, है ना। और ये मेरे भैया, मेरे सबसे बड़े वाले ताऊ जी के बेटे, इस घर के मालिक। और यहाँ से व्यू तो नीचे बाजार का है। ये अरविंद जी बैठे हैं यहाँ पे, नमस्कार। और अब मैं दिखा के आती हूँ कि एवा कहाँ पे, तारा कहाँ घूम रही है। किचन खाने को चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। It's very nice, but it's also scary. इतना अच्छा व्यू, let's see the kids are here. Hello, hello kids. We are making rainbow heart. Making rainbow heart? Okay. Who is this? What is your name? Hi, my name is Gunnu. Gunnu or Gunnu? I am Ava's sister. Yes. And she is my sister. Yes. And how old is Gunnu? I'm 14 right now. 14 years, yeah. And Gunnu bahut. I'm 14 and a half. And I'm 4 and a half. Okay. Or Gunnu fan hai. इसकी फैन तो BTS, yes, yeah, BTS की बहुत बड़ी फैन है और वो कोरियन भी सीख रही है। yes. और उसका ड्रीम है कोरिया जाना, राइट? यस यस, साउथ कोरिया जाना, मे बी वन डे, है ना। यस एंड आई मस्तिया चल रही है यहाँ पे। लेट्स मेक अ रेनबो हार्ट नाउ। ये है, मुझे नहीं पता इस घर में कितने कमरे हैं, पर बहुत ही अच्छा घर बनाया है इन्हें। तो ये मेरी भाभी है जिसे मैंने अभी आपको इनसे मिलाया था, और ये इनका सुंदर सा घर है। और पहले वाला घर जो इनका था वो जल गया था, चार साल पहले। हाँ, बहुत शॉकिंग था वो हम सब के लिए जब वो जल गया। फिर उसके बाद जब हम आए थे यहाँ पे, इतना बड़ा महल बना दिया। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाना था कि कितने सुंदर घर होते हैं हिमाचल में, लकड़ी के घर होते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है बहुत ठंड होती है। ये पहाड़ी ड्रेस वो, हाँ, और ये भाभी ने इसको बोलते ढाटू, इसको पहाड़ी ढाटू, ये जैकेट है, इसको हम सदरी बोलते हैं। हाँ, मैं भी पहनूंगी अभी। हाँ, फिर मैं भी दिखाऊंगी आपको ये ड्रेस पहन के। और तो भाभी ये बताओ, आपके घर में साफ सफाई करने में आपको कितने घंटे लगते हैं इस घर की? अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे लग जाते हैं साफ सफाई करने में। तो क्योंकि इतना बड़ा घर है, उसको मेंटेन करना है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे कोई लेबर नहीं मिलता, मेड नहीं मिलती है, अवेलेबल नहीं होती है, मुश्किल होता है यहाँ पे ढूंढना, यार खुद करना पड़ता है, खुद ही काम करना पड़ता है। पर घर तो आपको इनका दिखा चुकी हूँ, और बस यही था, यही मैंने आपसे शेयर करना था। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। ये है जी हमारी पहाड़ी डिश जो भाभी ने बनाई है हमारे लिए, इसे कहते हैं लोटे, और ये होते हैं सिड्डू, ये होते हैं नमकीन, ये मीठे भी होते हैं, और इनको हम खाते हैं जी घी के साथ। और ये स्पेशली ये कांसे की थालियां आती है, इनमें सर्व किया जाता है। सो अब लेट्स सिट, और नीचे बैठ के खाते हैं हम लोग किचन्स में, यहाँ पे कोई डाइनिंग टेबल नहीं होते। तो लेट्स सिट एंड ईट सिड्डू एंड लोटे विद घी। इनकी रेसिपी क्या होती है सिड्डू की और लोटो की? ये जैसे डोसा बनता है उसी तरह से लोटे बनते हैं। हाँ, इसको हम पहाड़ी भाषा में लोटे बोलते हैं, वैसे तो ये डोसे की तरह ही बनता है। हाँ, और सिड्डू में हम अंदर स्टफिंग करते हैं, किसी भी चीज की आप स्टफिंग कर सकते हो, तिल की कर सकते हो, गुड़ डाल के कर सकते हो, अफीम दाना भी डाल सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से ये बनते हैं। इसके लिए जो हम डो बनाते हैं वो काफी टाइम पहले बनाना पड़ता है, ताकि थोड़ा एक रात पहले नहीं, अगर थोड़ा गर्मी हो तो 2-3 घंटे में भी हो जाता है।
अदरवाइज तो आजकल सर्दियों में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बनाना तो फिर इसको बॉईल करके बनाते हैं, सिड्डू को बना के उसको बॉईल करना पड़ता है। पर यहाँ पे किसी के भी घर जाओ हिमाचल में मेहमानी में एज अ गेस्ट, पहली डिश तो ये तो आपको सबके घर मिलेगा, मतलब फेवरेट कह सकते हैं, पहाड़ियों की फेवरेट डिश सिड्डू है। सिड्डू सही है यार, बिल्कुल। अब हम आ गए वापस, अब हम जा रहे हैं बाउंसी सड़के, तो कैमरा थोड़ा हिल रहा है। अब हम जा रहे हैं अपने गांव पुड़क, जहाँ पे अरविंद के पापा वेट कर रहे हैं हमारा। अब वो हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे व्लॉग में, इसमें हम आपको दिखाएंगे हमारा दूसरा वाला गांव। मेरे पापा से आपकी बात कराऊंगा, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने बगीचे पे, आपको वो बगीचा दिखाऊंगा, वो सब कुछ भी दिखाएंगे। अब वो गांव के मंदिर भी दिखाएंगे। यस, सो ये व्लॉग यही एंड करते हैं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।